हमारे चैनल खबरों की खबर 24 को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। गाइस साइलेंस। वीडियो भूमि पर हिंदी में राइट। हाँ। तो सबसे पहले जो आप सबका रिश्ता मुझसे इतने सालों से रहा है मेरे साथ धर्म के साथ सबके साथ इट्स एक्सट्रीमली एम्बेरेसिंग कि आज हमें इस तरीके से मिलना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक हम रेड कार्पेट्स में मिले हैं, बाइक्स के लिए मिले हैं, वैलेंटाइंस डे के लिए मिले हैं एक्सेट्रा। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि जब काविश पड़ा होगा तो मैं चाहती हूँ जब वो ये सब खबरें पड़े, मैं चाह नहीं रही, 14 साल हो गए हैं हमारे रिश्ते को, 9 साल शादी को हैं, इतने सालों में बहुत कुछ हुआ बट किसी को कुछ पता नहीं चला। बट अब जब हमारे डिवोर्स की बात शुरू हुई पिछले 1 महीने पहले जब कल हम चंडीगढ़ में थे तो उसके बाद अगर मैं कितना बोलूँ कितना नहीं बोलूँ बट जितना भी मैं अपने आप को डिग्निफाइड हुई हूँ बोल पाऊंगी मैं बोलूंगी कि अनफॉर्चुनेटली करण हैज बिन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल जो मुझे नहीं पता था एंड अचानक मैंने उनको देखा जो भी मेरा था मुझे ज्यादा डिटेल्स मैंने डिस्कस करना है तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में लड़की है। मैंने कहा कि कुछ फिजिकल रिलेशन या ऐसे कुछ भी या क्या एक सीरियस अफेयर है या फिर ये कभी होता है बट इमोशनल या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ व्हाइल यू थिंक ओ आई लव समवन एल्स आई बीन हैविंग माय फिजिकल अफेयर विद हर। मैंने कहा कहाँ से लड़की कब मिले आप उसको तुमसे, तो दिल्ली से और जब जब तुम चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए जो कि वो हर अक्टूबर से जाने लगे हैं नए शो के लिए तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपनी फैमिली से वो दूर रह सके। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उसके बाद देखो कि बहुत ही बड़ा न्यूज था कि आई डोंट नो कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जब ये हुआ भी आई थिंक आमतौर पर एक लड़की शायद झगड़ा करती या थप्पड़ मार देती या गुस्सा हो जाती या आई डोंट नो क्या करती बिकॉज आई कैन सी कि आप में से कई लड़कियां या आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स वाइफ्स होंगी पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने करण को बोला लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक कि क्या हुआ। तब उन्होंने ये सब बोला मेरा ये है वो है। फिर मैंने अगले दिन आई टुक अ फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग एंड मैं मम्मी पापा के पास गई। मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला हालांकि मम्मी मेरे साथ ही रह गए 2 साल से हमारी रिक्वेस्ट पे क्योंकि काविश छोटा है। तो मैं मम्मी पापा के पास गई और मैंने बोला देखो ऐसे से बेटा यू आर नॉट वीक मतलब इन शॉर्ट मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना बिकॉज बहुत लंबा रिश्ता है स्पेशली मम्मी पापा के बारे में तो नहीं। तो उन्होंने कहा तुम लोग यू नो जो भी है यू हैव टू वर्क ऑन इट। मम्मी ने बोला कि तुम यू नो यूर अ वुमन आई अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। मैंने कहा अगर करण सॉरी बोलते हैं या वो चाहते हैं कि मैं वर्क करना चाहता हूँ उस रिश्ते में या यू नो तो ठीक है यू नो वील वर्क ऑन इट। मैं वापस चली जाऊंगी और करण भी बाय द वे आए थे मेरे साथ उस दिन मैं चली गई थी तो वो एयरपोर्ट पे आ गए और वो भी आए थे मेरे साथ हमारी बात हुई सभी कैसे सर मुझे सपोर्ट नहीं मिला मैं वापस आई। उसके बाद फिर करण का एटीट्यूड वॉज लाइक यू नो जब किसी से गलती होती है तो आप ट्राइंग टू मेक यू आर ट्राइंग टू बी मोर पोलाइट यू ट्राइंग टू पुट एफर्ट वो सब करण ने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले आई मेड अ व्हाट्सएप जस्ट फॉर मी एंड करण फॉर द लव प्रोजेक्ट बहुत सारी पर्सनल चीजें हैं जो एज ए हस्बैंड एंड वाइफ यू नो आई ट्राइड कि मैं इसको फिक्स करूँ या ये कहाँ पे ये चीज गलत हुई है। नहीं सुन नहीं सुन रहा करंट बिहेवियर ओवर द इयर्स इन द लास्ट 14 इयर्स दिस इज नॉट न्यू क्योंकि उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी अदर गुडी टू शूज जो भी इमेज बनी इट्स डिफिकल्ट। मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूँ बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं यू नो ऐसे ये सब करके करियर्स पे इफेक्ट होता है और हमारा बेबी भी अभी तो मैंने कहा ठीक है यू नो इट्स ओके और हर बार करण कहते थे ओके आई एम सॉरी मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक है यू नो शायद
मैं ये मानना चाहती थी कि वो नहीं करेंगे एज अ वुमन, बिकॉज आई एम अ स्ट्रांग वुमन ऑफ द 21st century. आई टॉक अबाउट वुमेन्स राइट्स, आई टॉक अबाउट यू नो सो मेनी थिंग्स ऑन माई सोशल मीडिया ऑल्सो दैट सपोर्ट्स मदरहुड, यू नो मॉम शेमिंग, या फिर हमें राइट्स के लिए खड़ा रहना चाहिए. कई बार मुझे लगा कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोमेस्टिक अब्यूज इज नॉट ओके. कल रात को क्या हुआ उसके बारे में? सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरों की खबर को और नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें.